हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 4 हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ, इन क्वेश्चंस का आप लोग अच्छे से तैयारी करें क्योंकि इन्हीं में से कोई क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में जरूर रहेंगे। क्वेश्चन पूछने का तरीका भले ही अलग हो सकता है, लेकिन जो टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं उसी टॉपिक से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर रहेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज को ऑलरेडी देखे हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेरेडिटी और इवोल्यूशन के डेफिनेशन को देखते हैं। हेरेडिटी इज द फिनोमेनन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्यूचर्स फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स प्रोगेनी। ट्रेट इज एनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एग्जाम्पल हाइट एंड कलर। हमारे पूर्वज द्वारा जो भी हमारे ऊपर जो गुण पाया जाता है, जैसे हाइट हो गया, कलर हो गया, तो इसी को हम लोग हेरेडिटी कहेंगे। और इवोल्यूशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का न्यू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, फ्रॉम एन ओल्ड वन बाई ग्रेजुअल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3 को। व्हाट आर मेंडेलियन फैक्टर्स। मेंडेलियन फैक्टर्स किसे कहेंगे? हेरेडिटी यूनिट्स विच इनहेरिट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड मेंडेलियन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मेंशन एनी टू रिसेसिव ट्रेट्स ऑफ गार्डन पी। तो आंसर हो जाएगा ड्वार्फ एंड रिंकल्ड सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड। एक्वायर्ड ट्रेट्स इनहेरिटेड क्यों नहीं होते हैं? तो आंसर है एक्वायर्ड ट्रेट आर दोज विच आर डेवलप्ड इन एन ऑर्गेनिम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। दीज ट्रेट्स आर बिकॉज ऑफ नॉन रिप्रोडक्शन टिश्यू सो कांट बी पास्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अब, हाउ क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन आर लिंक्ड। तो आंसर हो जाएगा क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन आर लिंक्ड इन दिस वे। क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिम्स इंटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटेल्स ऑफ अपियरेंस और बिहेवियर। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट एडवांस्ड एंड इफेक्टिव। द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिस इंटू ग्रुप्स इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ देयर कॉमन एंसेस्टर्स एंड हेंस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 7 है अब, व्हाट आर कोकर वेट्स। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट लाइफ मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अराउंड एमिनो एसिड्स सुगर्स एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस एग्रीगेट्स आर कॉल्ड कोकर वेट्स। फर्दर डेवलपमेंट इन कोकर वेट्स लीड्स टू ऑरिजिन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 8। मेंशन एनी टू फ्यूचर्स ऑफ फॉसिल्स विच हेल्प इन इवोल्यूशन। तो नंबर 1 हो जाएगा फॉसिल्स प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, और सेकेंड है फॉसिल्स रिकॉर्ड्स ऑल्सो प्रोवाइड मिसिंग लिंक्स बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल आर्कियोप्टेराइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज इनएस्क्यूलेशन, व्हाई इज इट डन। आंसर हो जाएगा रिमूवल ऑफ एंथर एंड टू अवॉइड पॉलिनेशन इन एक्सपेरिमेंटल प्लांट इज कॉल्ड इमेस्क्यूलेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज जीनी, वेयर आर जीनी लोकेटेड। तो आंसर हो जाएगा सेगमेंट्स ऑफ डीएनई आर कॉल्ड जीनी, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट आर वेरिएशंस, गिव देयर टाइप्स। वेरिएशन क्या होता है और इसके टाइप्स को लिखना है। आंसर है एल्दो ऑफ स्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स रिसेम्बल वन अनदर एज टू देयर पेरेंट्स, येट थ्री आर differences among them, their differences are called variation, it is of two types। ये दो तरह का होता है, पहला है रिप्रोडक्टिव, तो रिप्रोडक्टिव में है passed from one generation to another, और बी है नॉन रिप्रोडक्टिव, दैट मीन्स कि नॉट passed from one generation to another। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द differences बिटवीन ऑटोसम्स एंड एलोसम्स। ऑटोसम्स और एलोसम्स में क्या क्या differences है? तो ऑटोसम्स में हम फर्स्ट नंबर में लिखे हुए हैं क्रोमोसोम्स विच आर नॉट कनेक्टेड विथ द डिटर्मिनेशन।
और एलोसोम्स में फर्स्ट नंबर होगा क्रोमोसोम्स विच आर कनेक्टेड विद सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बाद इसमें सेकेंड नंबर है सिमिलर इन मेल्स एंड फीमेल्स, और इसमें हो जाएगा डिसिमिलर इन मेल्स एंड फीमेल्स। इसमें थर्ड नंबर होगा जनरली 44 और 22 पेयर्स इन ह्यूमन बींग्स, और इसमें हो जाएगा जनरली 2 और 1 पेयर्स इन ह्यूमन बींग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर है मेंशन टू सोर्सेस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का दो सोर्स कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा वन नंबर एरर इन डीएनए कॉपिंग, और सेकंड नंबर हो जाएगा रैंडम फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने पी प्लांट को एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चूज किया? तो आंसर है मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। नंबर वन, द लाइफ स्पैन ऑफ दिस प्लांट इज वेरी शॉर्ट सो रिजल्ट कैन बी ऑब्टेंड एंड स्टडीड फास्टर। सेकेंड है गार्डन पी हैज मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इन कॉमन टू ईच अदर, और थर्ड है मोर एवर दिस प्लांट इज स्मॉल इजी टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ए इंडिविजुअल विथ पार्टिकुलर ट्रेट में डिक्रीज इन पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन है, ये थोड़ा सा यहाँ पे छिप गया है, तो यहाँ पे ये पॉपुलेशन होगा। आंसर है द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल विथ ए पार्टिक्यूलर ट्रेट में डिक्रीज आर, नंबर वन है नेचुरल सेलेक्शन। नेचुरल सेलेक्शन में लिखे हुए हम लोग सर्टेन वेरिएशन गिव सर्वाइवल एडवांटेज इन ए पॉपुलेशन इन ए चेंज सिचुएशन रिजल्टिंग इंक्रीज ऑफ देयर पॉपुलेशन। सेकेंड नंबर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम लोग लिखे हुए हैं एक्सीडेंट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन इवन इफ दे गिव राइज टू सर्वाइवल एडवांटेजेस ऑल्सो लेड टू इंक्रीज टू सर्टेन इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 16, वाई आर ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। आंसर हो जाएगा एनी चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द डीएनए ऑफ द जर्म सेल्स, देयरफोर द ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑन एन इंडिविजुअल आर नॉट इनहेरिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 नंबर में है वाई आर ह्यूमन बींग्स हु लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज कलर एंड लुक सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। आंसर हो जाएगा द ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज कलर बट आर सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। दिस इज बिकॉज डिस्पाइट ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स एंड फ्यूचर्स इन डिफरेंट ह्यूमन रेसेस अक्रॉस द प्लेनेट द जेनेटिक फुटप्रिंट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सेम कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ अफ्रीकन रूट्स। ऑल ह्यूमन्स आर सिंगल स्पेसीज एंड हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम होमो सेपियंस हु वेयर द अर्लिएस्ट मेंबर ऑफ द ह्यूमन स्पेसीज इन अफ्रीका एज देयर हैव नो वेल सेट जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अमॉन्ग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ह्यूमन स्पेसीज। दिस हैज लेड टू न्यूमरस जेनेटिक मेकअप्स ऑफ ट्रेट विथ स्लाइट वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज ऑफ स्प्रिंग। आंसर है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिम्स रेज्ड आर एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जीन सेगमेंट्स एंड आर नोन एज ऑफ स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट आर इनहेरिटेड ट्रेट्स, गिव वन एग्जांपल। इनहेरिटेड ट्रेट्स किसे कहेंगे और इसका एग्जांपल भी लिखना है। आंसर हो जाएगा द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। एग्जाम्पल हो गया फ्री ईयर लॉब्स एंड अटैच्ड ईयर लॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन मेंडल क्रॉस्ड ए टॉल प्लांट विथ ए ड्वार्फ प्लांट नो मीडियम हाइट्स प्लांट्स आर ऑब्टेंड इन एफ जनरेशन, वाई। आंसर हो जाएगा बिकॉज डोमिनेंट जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड सुप्रेस द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव जीन्स सो नो मीडियम साइज्ड प्लांट वेयर ऑब्टेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज फॉसिलाइजेशन, हाउ आर फॉसिल्स फॉर्म्ड। आंसर हो जाएगा
द प्रोसेस ऑफ फॉसिल फॉर्मेशन इज कॉल्ड फॉसिलाइजेशन. फॉसिल्स आर फॉर्म्ड व्हेन ऑर्गेनिज्म्स डाई, देयर बॉडीज गेट डिकम्पोज्ड एंड लॉस्ट. समटाइम्स द बॉडी और ए पार्ट मे बी इन सच एन एनवायरमेंट दैट इज डिकम्पोजेज कम्प्लीटली. द मड विल इवेंचुअली हार्डन एंड रिटेन द इम्प्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. दिस मड विद द इम्प्रेशन विल बी कॉल्ड फॉसिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नंबर 22 को अब देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट आर होमोलोगस एंड एनोलोगस ऑर्गन, एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. आंसर है, होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज विच हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन बट मे हैव डिफरेंट फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, हैंड्स ऑफ ह्यूमन बींग एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स. आगे है, ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन बट हैव सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल, वन नंबर हो गया विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ बर्ड, और सेकेंड नंबर हो गया विंग ऑफ बर्ड्स एंड विंग ऑफ इंसेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन नंबर 23, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में वन नंबर में होगा अडेप्टेड फॉर सिमिलर फंक्शन, और इसमें हो जाएगा अडोप्टेड फॉर डिफरेंट फंक्शन. सेकेंड नंबर होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में एनालोगस ऑर्गन, और डाइवर्जेंट में हो जाता है होमोलोगस ऑर्गन. इसके बाद कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में थर्ड नंबर होगा डू नॉट इंडिकेट इवोल्यूशन एनी रिलेशनशिप, और इसमें हो जाएगा इंडिकेट्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 24 को. क्वेश्चन नंबर 24 है, गिव डिफरेंसेस बिटवीन होमोलोगस एंड एनोलोगस ऑर्गन. अब होमोलोगस और एनोलोगस ऑर्गन में डिफरेंसेस लिखना है. तो वन नंबर हो जाएगा सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर मे डिफर इन फंक्शन, और इसमें हो जाएगा डिसिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर बट मे सिमिलर इन फंक्शन. इसका सेकेंड नंबर है प्रोवाइड आइडिया ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, जबकि इसमें होगा डू नॉट प्रोवाइड आइडिया ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री. इसमें थर्ड नंबर है एग्जाम्पल हो जाएगा हैंड्स ऑफ ह्यूमन बींग एंड फोर लिम्स ऑफ हॉर्स, और इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा विंग ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई और इंसेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में. क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टेट थ्री लॉज ऑफ मेंडल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मेंडल्स लॉ हो जाएगा ए नंबर में, लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो इसमें हम लोग लिखे हुए हैं, व्हेन टू डिसिमिलर फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ओनली वन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर रिमेन अनएक्सप्रेस्ड. बी नंबर है प्रिंसिपल ऑफ सीग्रेगेशन. तो इसमें हो जाएगा टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर आर सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड ईच गैमेट गेट ओनली वन फैक्टर फॉर द कैरेक्टर. नेक्स्ट है सी नंबर में प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसमें हो जाएगा दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इनहेरिटेंस ऑफ टू और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन सच ए वे दैट वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में. क्वेश्चन नंबर 26 है, डिस्क्राइब हाउ द सेक्स ऑफ द ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड इन द जाइगोट इन ह्यूमन बींग्स. आंसर हो जाएगा, द मेल्स कैन प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, आइदर एक्स टाइप और वाई टाइप. द फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट्स ऑफ ओवा. इफ एक्स टाइप स्पर्म फ्यूजेज विद द ओवम देन द सेक्स ऑफ द बेबी विल बी मेल. सेक्स ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायप्लॉइड एंड हेप्लॉइड. डायप्लॉइड और हेप्लॉइड में डिफरेंसेज लिखना है. तो डायप्लॉइड में वन नंबर में हो जाएगा टू क्रोमोसोम सेट, और इसमें होता है वन क्रोमोसोम सेट. सेकेंड नंबर है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन पेयर्स, और इसमें है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन सिंगल, ये पेयर्स में होता है, सिंगल होता है. थर्ड नंबर हो जाएगा फॉर्म्ड ड्यू टू मिटोसिस, और इसमें हो जाएगा फॉर्म्ड ड्यू टू मियोसिस. फोर्थ नंबर होगा फाउंड इन ह्यूमन बींग्स एंड हायर प्लांट्स, और इसमें होगा फाउंड इन लोअर प्लांट्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज फॉसिल्स, हाउ डू फॉसिल्स टेल्स अस अबाउट द प्रोसेस इवोल्यूशन. आंसर है, द डेड रिमेन्स ऑफ फॉर्मर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड फॉसिल्स.
द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियंटोलॉजी. द स्टडी ऑफ फॉसिल्स दैट टेल्स अस दैट स्पेसीज एरोज फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वंस और दैट द इवोल्यूशन हैज ऑकर्ड इन नेचर एंड इन स्टिल कॉन्टिन्यूइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव वेरिएशन. तो नॉन रिप्रोडक्टिव वेरिएशन के बारे में वन नंबर है वेरिएशन इन सोमेटिक सेल्स और इसमें हो जाएगा वेरिएशन इन जर्म सेल. इसमें सेकेंड है डाई विथ द डेथ ऑफ ऑर्गेनिम्स और इसमें सेकेंड है डू नॉट डाई विथ द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिम्स. थर्ड नंबर है कैन नॉट डायरेक्ट इवोल्यूशन और इसमें है कैन डायरेक्ट इवोल्यूशन. आगे है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है राइट सिमिलरिटीज बिटवीन मेंडेलियन फैक्टर एंड जीन. तो आंसर है मेंडल प्रपोज्ड इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग बाय हेरेडिटरी यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स. मेंडल सजेस्टेड दैट एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई ए पेयर ऑफ फैक्टर. सुल्टान एंड बॉवेरी 1902 में ये दो साइंटिस्ट का नाम दिया गया है फाउंड स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज बिटवीन द बिहेवियर ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स एंड द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मिटोसिस एंड फर्टिलाइजेशन. फैक्टर एंड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्ड कंडीशन इन द पेरेंट्स सेपरेट ड्यूरिंग मिटोसिस एंड अगेन गेट पेयर्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 है हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पेसीज प्रोमोट सर्वाइवल. आंसर हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेज टू एडजस्ट इन पार्टिकुलर हैबिटेट. वेरिएशंस हेल्प द इंडिविजुअल टू हैव डिफरेंट ट्रेट्स दैट मे डेवलप द ऑर्गेनिज्म मोर टॉलरेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 32 हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव. तो आंसर हो जाएगा इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल्स बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट ऑल प्रोगेनी इन F1 जनरेशन आर टॉल प्लांट एंड F2 जनरेशन 75% ऑफ पी प्लांट आर टॉल बट 25% आर ड्वार्फ. दिस शोज दैट ट्रेट्स आर डोमिनेंट और रिसेसिव. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट सो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. तो आंसर हो जाएगा व्हेन ए पी प्लांट हैविंग राउंड ग्रीन सीड्स इज क्रॉस्ड विथ ए पी प्लांट हैविंग व्रिंकल येलो सीड्स इन F1 जनरेशन ऑल द प्लांट्स हैव राउंड येलो सीड्स बट इन F2 जनरेशन टू न्यू ट्रेट्स दैट इज राउंड येलो एंड व्रिंकल्ड ग्रीन अपीयर. दिस शोज दैट द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए वोमेन विथ ब्लड ग्रुप ओ एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ इन दिस फॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट्स ब्लड ग्रुप ए और ए माइनस इज डोमिनेंट वाई और वाई नॉट. तो इसके आंसर को हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा नो द इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ बिकॉज द ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाई ए पेयर ऑफ जीन वन इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एंड फादर. इन दिस केस द चाइल्ड इनहेरिटेड जीन फॉर ओ ब्लड ग्रुप फ्रॉम मदर्स एज वेल एज फादर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग. आंसर हो जाएगा ए चाइल्ड विच इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम हर फादर विल बी ए गर्ल एंड वन हु इनहेरिटेड वाई क्रोमोसोम्स फ्रॉम हिम विल बी ए बॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट आर द काउजेज ऑफ वेरिएशन इन क्लोन. आंसर हो जाएगा वन नंबर में इन एक्वरेसिस ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग. सेकेंड है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट टर्म्ड एक्वायर्ड वेरिएशन. थर्ड है म्यूचुएशंस आर सडन स्टेबल चेंजेस विच आर डिसकॉन्टिन्यूअस इनहेरिटेबल एज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मेकअप. और क्वेश्चन नंबर 37 ये लास्ट क्वेश्चन है गिव द बेसिक फ्यूचर्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस. तो आंसर हो जाएगा बेसिक फ्यूचर्स ऑफ इनहेरिटेंस आर नंबर वन ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई ए पेयर ऑफ फैक्टर्स. नंबर टू है वेन टू डिसिमिलर कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिम्स ओनली वन एक्सप्रेस इट सेल्फ वाइल अदर रिमेन अनएक्सप्रेस्ड. थर्ड नंबर है टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर्स आर सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ
गैमेट फॉर्मेशन एंड गेट ओनली वन फैक्टर फॉर दैट कैरेक्टर। और नंबर फोर है इनहेरिटेंस ऑफ टू और मोर पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड इन सच ए वे दैट वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।